बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं इमरान, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दुनिया इन्फो टीवी। अच्छा दोस्तों, आज भी एक कंपनी के लिए जॉब साहब के पास लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आज की वीडियो आप तमाम लोग पूरी देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा दो तीन बंदों के नाम जिनका तकरीबन पिछले महीने की एक वीडियो मैंने डाली थी, उस पर उनका काम हुआ है। बंदों ने मेरे साथ रब्ता किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको भी इंशाल्लाह, आप में से भी किसी को लाजमी रिप्लाई आया होगा अगर आप लोगों ने सही अप्लाई किया हुआ है तो। हम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को बात की समझ आ सके। हमेशा मैं और जितने भी यूट्यूबर हो रहे हैं कहीं के किसी भी दुनिया के, ठीक है, वो आप लोगों को हर बंदा यही बताता है कि आप लोगों ने सीवी सबसे अच्छी बनानी है। ये मैं आज कंपनी से पहले आपको टिप दे रहा हूँ, सीवी अच्छी बनानी है। और सीवी अपनी को आपने ज़बानी याद रखना है। सीवी को ज़बानी याद रखेंगे तो उसमें से होता ही है कि उसी में से आपको इंटरव्यू होता है। ये मेरा भी ज़ाती एक्सपीरियंस है और लोगों का भी यही है कि आपको सीवी अपनी कम अज़ कम ज़बानी याद होनी चाहिए और सीवी आपको बहुत अच्छी बनानी चाहिए। उसके बाद मैंने जो बंदू को काम मिला है वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कंपनी की, एक बंदे को उससे मिला और एक मैंने एचआर की लिस्ट से बनाई हुई थी, ठीक है। तो उसमें मैं उन लोगों ने अप्लाई किया है, उन लोगों ने मुझसे ली थी। तो आप लोगों में से जिसको चाहिए कंपनी की लिस्ट चाहिए या एचआर के नियम के कंपनीज की चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करें तो इंशाल्लाह, या ईमो व्हाट्सएप पर रब्ता करें, ईमेल करें तो मैं आपको ऑन द स्पॉट सेंड कर दूँगा, ठीक है। ये तो आज के लिए मैंने आपको बताना था। तो अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का मैं आपको बताता हूँ। कंपनी रिसेंटली कंपनी ने काम प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो कंपनी का नाम और उसका मैं सारा कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस कंपनी में बहुत सारी जॉब्स हैं, स्पेशली साइट इंजीनियर इसके लिए काफ़ी चाहिए, सुपरवाइज़र सिविल फोरमैन चाहिए इसको, ऑपरेटर्स चाहिए, ठीक है, इसको ड्राइवर्स भी चाहिए और इसको वीज़े भी पाकिस्तान जाएंगे, मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसमें ये होता है कि हर बात अब हमें बताता हूँ कि अगर अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको खुद डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है। आपकी सीवी अगर किसी को पसंद आ जाती है तो आपका फिर वो आपसे आपकी डिमांड पहले पूछते हैं, ठीक है। और होता यह है कि जब लोग पाकिस्तान या कहीं भी इंडिया बांग्लादेश जो वीज़ों पे लोग आते हैं कंपनीज के, वो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, वो उनसे डिसाइड करके फिर आगे एजेंटों को देती है कि भाई हम आपसे इतनी तनख्वाह लेंगे, हम आपको बंदे प्रोवाइड करके देते हैं, उस पर भी तनख्वाह कम लगती है। तो आज भी मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, वो मैंने उसे पूछा कि तुमने, वो सिविल इंजीनियर है, ठीक है, उसका नियम से बाहर एक जगह पे काम लगा हुआ, तो मुझे कहता है कि भाई मेरी जॉब ख़त्म हो गई है तो आप मुझे जॉब दें, कोई अरेंज करवा के दें। मैंने उसे पूछा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तो उसने मुझे बताया कि भाई मेरी तनख्वाह जो पुरानी कंपनी में थी 3,000 लेता हूँ, और जबकि हमारी जो न्यू वाली साइड पर 10 से 12,000 15,000 तक ईजीली लोग ले रहे हैं, जो साइट इंजीनियर हैं सिविल इंजीनियर हैं वो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुद से अप्लाई करें, चाहे वीज़ा नो डाउट इसमें थोड़ा एक्सपेंस होता है, लेकिन आपको जॉब आपकी चॉइस पे मिलती है, सैलरी आपको चॉइस से मिलती है। मतलब परदेश में जाता इसलिए है कि उसको 4 पैसे अच्छे मिलें, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो वीज़े बहुत मिल जाते हैं, हर लिहाज से मिल जाते हैं, उसके लिए मैं फिर आपसे क्या बात करूँ। तो अभी बढ़ते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी ये बेसिकली सऊदी बेस्ड कंपनी है, ठीक है, कंसल्टेंसी नहीं है या कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है, बल्कि डायरेक्ट कंपनी है जो डायरेक्ट काम करती है, अपनी अपने काम लेके खुद ही से काम करती है। न्यू में इसके प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट हुए एक्सकवेशन के, इसको पास कटिंग और रिफिलिंग का इसके पास काम बहुत है। तो आपको हम लोग उससे गुजारिश है कि इस कंपनी पर मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो तेरी अभी अथूना, ठीक है। इस पे बारे में पहले भी मैंने जिक्र किया था एक ब्लॉग में, अभी अतुना कंपनी का नाम है। आप वाला लोग जाएं, जाके इसके वेबसाइट पे अप्लाई करें, जॉब स्कूट देखें, इनके एचआर से कांटेक्ट करके इनको आप अपनी सीवी वगैरह भेजें तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगी। इसमें ज़्यादा
जो इसका काम है वो इस तरह, जिस तरह हमारी एक्टिविटी आप देख रहे हैं इसी तरह की एक्सकवेशन है, बुलडोजर स्टॉक पाइल का काम है, अर्थवर्क है, स्पिन अर्थवर्क है, ठीक है, इस तरह के काम है। इस तरह के काम लोग टेक्निकल जो इंजीनियर लोग हैं वो लोग समझते हैं कैसा होता है, ठीक है। इस तरह ड्राइवर ऑपरेटर रिफिलिंग, ये आपके सामने रिफिलिंग हो रही है, ये पीछे स्टॉक पाइल बन रही है, इस तरह काम होता है, ठीक है। वो सामने क्रेशर लगे हुए हैं, अपोजिट साइड पे भी लगे हुए हैं, नीचे लगे हुए हैं, ये चीज़ होती है। इसमें तो ज़्यादा कोई अभी काम या अभी मुश्किल नहीं होती। तो एक बार फिर आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह फिर मैं इसी तरह आपके साथ हैं, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा, तो मालूमात भी देता रहूँगा। मज़ीद किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आती मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आपको ऑन द स्पॉट जवाब दूँ। किसी को लिस्ट वगैरह कुछ भी चाहिए आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा। बाकी चैनल के साथ बने रहिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।